द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज़ हाउ टू रिपोर्ट हैकर्स इन 8-ball pool। अगर आप लोग भी गेम प्ले करते हैं और आप लोगों को हैकर्स देखने को मिलते हैं और आप लोग उनको इस तरह रिपोर्ट करते हैं 3-dot पे क्लिक करके और इधर से चीटिंग पे क्लिक करके आई बिलीव दिस रिपोर्ट पे क्लिक करके रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इससे कोई आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। आज की वीडियो में आपको प्रॉपर तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरह आप हैकर्स को रिपोर्ट कर सकते हो और आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि जिसको आपने रिपोर्ट किया है उसके अकाउंट पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट लाजमी हुआ है। बेसिकली यार ये बटन जो इन्होंने ऐड किया गेम वालों ने, इसका कोई इतना ख़ास तो यार मुझे कोई इसका बेनिफिट्स नज़र नहीं आया अभी तक, क्योंकि अगर ये वर्क करता होता तो अब तक हमने जितने रिपोर्ट किए हैं हैकर्स को तो अब तक तो हैकर्स ख़त्म हो जाने चाहिए थे। पर अभी तक तो भाई हमें गेम में हैकर्स देखने को मिल रहे हैं, अभी तक तो इसका कोई खास वर्क हुआ नहीं है। क्योंकि जितने गेम में हैकर्स हैं ना, फेयर प्लेयर तो वैसे ही तंग आ गए हैं, तो अगर वो इतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स करते तो अब तक तो हैकर्स ख़त्म हो जाने चाहिए थे और हैकर्स की आईडी ख़त्म हो जानी चाहिए थी। पर ये बटन कुछ ख़ास वर्क नहीं करता, तो आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप रिपोर्ट करेंगे तो मेरी क्लिप लाजमी एक्शन लेगा और जो है ना उस हैकर की आईडी को लाजमी वो देखेंगे और उसकी आईडी को बैन भी करेंगे वो। तो आपने बस वीडियो को फुल वॉच करना है, आपको प्रॉपर तरीका बताऊँगा। सबसे पहले इसी बटन के बारे में बात कर लेते हैं जो मेरी क्लिप वालों ने प्रोफाइल में ऐड किया हुआ है, जिससे आप एक दूसरे को रिपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली जहाँ तक मेरा माइंड कहता है कि ये बटन उस वक्त वर्क करता है जब बहुत ज़्यादा लोग एक साथ रिपोर्ट करते हैं। एक दिन में अगर 10-20 लोग रिपोर्ट करते हैं तो तब जाके मिनी क्लिप उस अकाउंट को देखता है, क्योंकि मिनी क्लिप यार इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हम अकेले सिर्फ रिपोर्ट करेंगे और वो जाके एक एक अकाउंट को चेक करेंगे, तो इतना मिनी क्लिप भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है, अगर 1 से लेकर 50 तक इसे रिपोर्ट मिलेंगी अकाउंट को तो भी इस अकाउंट को जो है चीटू सर्वर में डाल देंगे या फिर उनका कॉइन्स रीसेट कर देंगे या फिर जो है उनको फाइनल वार्निंग दे देंगे, क्योंकि वो एक एक अकाउंट को तो चेक कर नहीं सकते। इस वजह से उन्होंने इसमें लिमिट लगाई होगी, जहाँ तक मेरा माइंड कह रहा है। मैं प्रॉपर इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो एक एक अकाउंट को चेक करते हैं जिसको हम रिपोर्ट करते हैं तो अब तक हैकर्स ख़त्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जहाँ तक मेरा माइंड कह रहा है ये बटन इसी तरह वर्क करता है। इन्होंने लिमिट रखी होगी कि अगर 1 से लेकर 50 तक रिपोर्ट्स लगती हैं तो इस अकाउंट के साथ ये करना है, अगर 50 से लेकर 100 तक रिपोर्ट लगती हैं तो इस अकाउंट के साथ ये करना है, अगर 100 से लेकर 150 तक रिपोर्ट्स लगती हैं तो इस अकाउंट के साथ ये करना है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको जो मैं तरीका बताने वाला हूँ अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको हैकर्स कम देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी आईडी में हैकर्स आते हैं तो आप मिनी क्लिप को मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज किस तरह करना है ये भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि वो आपके इशू को सॉल्व कर दें और आपकी आईडी को चीटू सर्वर से रिमूव कर दें और आपका मैच जो है फेयर प्लेयर के साथ लग सके। तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बल्कि मैसेजेस भी आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि अयाज भाई हैकर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यार, कुछ करो इनका। तो एक भाई ने मुझे जो है एडवाइस दी, उन्होंने कहा कि अयाज भाई हम क्यों ना इनको रिपोर्ट करें, इसका कोई जो है ना एक सोल्यूशन निकालें। तो मैंने इसके बारे में 1-2 दिन सर्च किया कि किस तरह रिपोर्ट किया जाता है और कैसे कैसे जो है हम हैकर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सर्च किया है, अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको बताता हूँ कि किस तरह हम अपने गेम में हैकर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो का बस आपने फुल वॉच करना है, इसी वीडियो में आप सबको देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और बताता हूँ आपको। सबसे पहले आ जाना है आपने गूगल पे और यहाँ पे आपने लिखना है सपोर्ट मिनी क्लिप। सपोर्ट मिनी क्लिप लिखने के बाद आपने सिंपल सर्च पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिनी क्लिप के नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा सबमिट अ रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आपने सिंपल से क्लिक कर देना है और रिक्वेस्ट के अंदर आपने इनकी गेम सेलेक्ट कर लेनी है 8-ball pool। 8-ball pool के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना आपने ईमेल लिख देना है और नीचे वाले ऑप्शन में आपने अपने गेम का यूनिक आईडी डाल देना है। यहाँ पे मैंने अपनी गेम का यूनिक आईडी डाल दिया है और इधर से आपने इशू सेलेक्ट कर लेना है, रिपोर्ट आपने जिस चीज़ के बारे में भी करनी है अगर आपको हैकर्स फेस कर रहे हैं। नीचे आपने यूजिंग मोड्स एंड हैक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ से अपने हैकर की जो है ना यूनिक आईडी पेस्ट करनी है जो आपको हैकर फेस हुआ है, उसकी आपने एक छोटी सी वीडियो भी बना लेनी है 30 सेकंड की, जिसके अंदर आपने उसके शॉर्ट्स भी दिखाने हैं और आपने उसकी प्रोफाइल भी दिखानी है।
और नीचे सब्जेक्ट में आपने लिख देना है एट बल्ब पूल। सब्जेक्ट में आपने एट बल्ब पूल लिखने के बाद यहाँ आपने डिस्क्राइब कर देना है कि आपको किस तरह हैकर्स फेस करने को मिल रहे हैं, और जो आपने वीडियो बनाई थी नीचे ऐड पे क्लिक करके आपने इधर से ऐड कर देनी है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देनी है, तो आपकी रिपोर्ट जो है सबमिट हो जाएगी। तो यही थी वीडियो यार, अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।